नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 Degrees में। बच्चों, आज का ये वीडियो है, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें बताएं कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र किस फॉर्मेट में बनवाना है ITI में एडमिशन लेने के लिए। तो इसी से संबंधित आज का मेरा ये वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ITI में एडमिशन लेते वक्त जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना होता है उसका फॉर्मेट क्या है और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और साथ में बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जैसा कि दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि जब भी आप ITI में एडमिशन लेने जाएं तो आप प्लीज़ मास्क पहन कर ही जाएं, और आप जिसके साथ भी जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी जा रहे हैं साथ में, तो वो भी मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप मास्क पहन के नहीं जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी ITI में। तो इसलिए आप प्लीज़ मास्क ले कर के जाएँ, मास्क पहन करके जाएँ, ताकि ऐसा ना हो मास्क की वजह से आपको वापस आना पड़े। और साथ में वहाँ पे आपकी थर्मल स्कैनिंग भी होगी, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट है जिसमें आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। इस फॉर्मेट में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है अभ्यर्थी फ़ोटो, तो यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो चिपका लीजिएगा और फ़ोटो आपको सेम यूज़ करना है हर जगह। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है ITI में एडमिशन के समय, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में एंड स्क्रीन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा कि ITI में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो आपको जो 5 फ़ोटोज़ मैंने बोले हैं वो सेम फ़ोटोज़ होनी चाहिए और उसमें से एक फ़ोटो आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। और साथ में यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, पिताजी का नाम भरना है और एड्रेस वगैरह भरना है। फिर यहाँ पे कुछ जो डिटेल भरनी है वो आप जहाँ पे जिस भी हॉस्पिटल में या जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो वो ये सारी चीज़ें भर देंगे और बाकी सारी चीज़ें चेक करके आपकी फ़िल कर देंगे। और यहाँ पे आपका साइन चाहिए, तो जैसा कि वो बताएंगे, वो जब भी आप जिस भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वैसा आप इसे फिल कर लीजिएगा। और साथ में यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करवाना है जिस भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और आप एक चीज़ का बच्चों ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप हस्ताक्षर के साथ साथ मोहर भी ज़रूर लगवा लें। दोनों चीज़ें ही होनी चाहिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में, तभी वो मान्य माना जाएगा। तो आप हस्ताक्षर के साथ साथ मोहर भी लगवा लीजिएगा चिकित्सा अधिकारी का, जहाँ पे हस्ताक्षर होना वहाँ पे। यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ, कृपया मास्क का प्रयोग अवश्य करें। तो आप जहाँ पे भी जाएं और जिस भी डिपार्टमेंट में जाएं कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने, तो वहाँ मास्क पहन के ज़रूर जाएं, या आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मेट आपको कहाँ से मिल सकता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिखेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर ITI एडमिशन 2020। जैसे ही आप वहाँ पे, फिर एक लिंक होगा, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा और आपके ड्राइव में जा कर के सेव हो जाएगा। तो आप उसे यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेना और ये फॉर्मेट लेके आप जिस भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। बच्चों, मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ITI में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको कौन कौन सा फॉर्मेट फिल करना होता है और वो सभी फॉर्मेट आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप ITI में एडमिशन लेने वाले हैं तो अगला वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आगे भी हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी लाते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।